Gen 2, the next step. रणवीर, ये सब इतने सारे मार्केट में आ गए हैं ना AI के, कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगी कौन से यूज करें कौन सा ना यूज करें। इतने बेहतरीन बेहतरीन आ गए हैं। ये Gen 2 है और इसको आप देख पा रहे हैं किस तरह की इमेज यहाँ पे जनरेट हो रखे हैं। आपको जो बेहतर लगे, हर काम अलग अलग AI जनरेट कर सकते हैं आप, किसी भी तरह का, किसी भी, या आप किसी भी तरह का 3D करेक्टर बना रहे हो या फिर कार्टून टाइप का करेक्टर बना रहे हो, या फिर आपको इमेज से जनरेट की हुई इमेज से उसको PDF फॉर्म में बनाना हो, तो उसके लिए मॉर्फ है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइमलाइन पे अलग अलग इमेज जनरेट करके सबको एनिमेट कर सकते हैं 5-5 सेकेंड के लिए, और उन सबको फिर एक सीक्वेंस के रूप में निकाल के और उसको आप एक मूवी का शक्ल दे सकते हैं। उसको अपर स्केल में दूसरी जगह यूज भी कर सकते हैं, उसको आप स्केल करके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्सबार्स है और इस पे भी आप जो है जनरेट किया हुआ इमेज भी आप जनरेट कर पाएंगे AI प्रॉम्प्ट के थ्रू। AI प्रॉम्प्ट अगर आपको लग रहा है कि आप AI प्रॉम्प्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए आप ChatGPT को यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग का भी आता है Copilot, उसके थ्रू भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, या फिर जनरेट किया हुआ कोई भी इमेज जो आपको गूगल से या फिर किसी भी ऐसी साइट से जहाँ से आप मिलता है वो आप ला सकते हैं, और उसके बाद उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी है, ये भी एकदम रिसेंट में ही आया है। इसमें जो है आपकी इमेज लो क्वालिटी इमेज को आप हाई क्वालिटी इमेज में बदल पाएंगे। सबसे बेहतरीन जो अभी तक का लगा मैंने, जितने भी AI आज के टाइम में यूज किया मैंने, उसमें सबसे बेहतरीन मुझे ये क्रिया का लगा है। क्रिया जो है बहुत शानदार इमेज को इन्हेंस करता है, एकदम हाई कैमरे का क्वालिटी जो होता है, किसी भी DSLR टाइप की फोटोग्राफ्स ये बना सकता है। इसके पेड वर्जन में, फ्री वर्जन में भी आपको ये अच्छे पिक्चर बनाने में आपको हेल्प करता है, और मोबाइल रियल टाइम इसका जनरेट करने का भी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल वाला है। इतना फास्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है जितना भी मैंने यूज किया है अभी तक। रणवीर यूज किया मैंने, चल यूज किया मैंने, लियोनार्डो यूज किया मैंने, ये चीज़ इसका मुझे बहुत सुपर पर फास्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये आप इमेज को स्केच फॉर्म में भी, स्केच के रूप में भी आप बना पाओगे। ये लेफ्ट साइड में जो इसका आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आप रेफरेंस इमेज लगाते हो और राइट साइड में ये उसको जनरेट करता है। इसमें भी एक HD है जो कि पेड वर्जन है। उसके बाद इसको आप जो है यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट खुद से टाइप करके और उस प्रॉम्प्ट को से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में ये एक जंगल का सीन है, और इसमें आपके पास ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये आपको पोजीशन है जो इम्पैक्ट कितने डिस्टेंस में कितने दूरी तक ये डालेगा पूरी इमेज पे, ये वो पोजीशन दिखा रहा होता है। इसमें जो है नीचे ब्रश का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप स्केच कर सकते हो, नई कोई इमेज लाके दोनों को मेल्ट करके एक नई इमेज बना सकते हो, और फाइनली लास्ट में आप उन सब इमेज को एक्सपोर्ट करके यानी कि डाउनलोड करके सिस्टम के ऊपर रख सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम, या फिर उसको एक मूवी के रूप में भी आप एनिमेटेड मूवी भी बना सकते हो। और ये सब जो है आपको पर डे आपको 3 मिनट का वर्क इस पर मिलता है फ्री, और इस फ्री टाइम में आप जो है आप ये 3 मिनट में आप जो है सेटिस्फाई हो जाओगे और इसका फैन बन जाओगे। आपको आदत हो जाएगी क्रिया की। क्रिया AI बहुत ही शानदार AI है, और ये मतलब एक आप लोगों के लिए समझिए कि वरदान की तरह काम आएगा। और आप देख पा रहे हो कि कैसे कैसे ये, मैं लेफ्ट साइड में यहाँ प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ बैम्बो, और ये सेकंड में ये बैम्बो वहाँ आपके सामने ऑन स्क्रीन रहता है, और आप ये देखते जाइए किस तरह से मैं ये प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ और ये कितनी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं। और ये मैंने इतना फास्ट मूव करते हुए इतना सामने, मतलब ऑन इजी से एकदम कहते हैं ना कि आप सोच रहे हो, जैसे जैसे आप सोच रहे हो जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उस आइडिया को ये धरातल पे आपके सामने प्रस्तुत करता जाता है। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे, जैसे जैसे इसको प्रॉम्प्ट देते जाओ, वैसे वैसे ये अपना काम करता चला जाएगा। और आप जब तक आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, तब तक आप इसको करते रह सकते हैं, इमेज जनरेट करते रह सकते हैं।
और अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है तो आप क्रिया को सब्सक्रिप्शन भी इसका ले सकते हैं। और फिर तो आप समझिए कि ऐसा ऐसा काम करके दीजिएगा कि अकेले आप 100 पे भारी हो। बहुत शानदार है ये, आप देखते जाइए और ये बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। और आप जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ, जो जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी तो उतनी टाइपिंग स्पीड तो उतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर मैं हल्का फुल्का गलती भी कर रहा हूँ फिर भी ये उसको करेक्ट फॉर्म में वहाँ पे आपके सामने बनाता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपके पास क्या क्या सुविधा मिल रही है। एक तो आपको इसमें लोगो तक जनरेट कर सकते हो, लोगो जनरेट करना, और फिर उस लोगो को से सीन बना सकते हो, और फिर लास्ट में उसको एनिमेशन के रूप में आप फ्रेम बाय फ्रेम, अगर आप पहले बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कोई मूवी बनती है। तो ज़्यादातर टाइम 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स के करीब हुआ करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो आपके पास 3 सेकेंड का एक फिल्म या कुछ बनाना है, तो उसके लिए आप अगर एक इमेज जनरेट करना चाहते हो, फर्स्ट फ्रेम में आपके पास एक जंगल का सीन है, तो आप वहाँ पर जाकर सिर्फ जंगल टाइप करोगे या वुडन वो टाइप करोगे या बैम्बू ट्रीज या फॉरेस्ट या कुछ भी, जैसे जैसे आप टाइप करते रहोगे वैसे वैसे ये जो है ना आपके सामने वो स्क्रीन पे वो सीन ला कर। पहला सीन आप मान लीजिए कि एक 20 सेकेंड का नहीं 10 सेकेंड का क्लिप बना रहे हो या फिर 3 सेकेंड का बना रहे हो, पहले सेकेंड में आपने बैम्बू फॉरेस्ट लिख दिया और जो तीसरा सेकेंड है वहाँ जाके आपने लिख दिया कुछ और, तो वो चीज़ उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो ट्रांसफॉर्मेशन इससे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और फिर आप उस फ्रेम सबको ऐड करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने वुड्स डाला है, तो यहाँ पे से रिलेटेड यहाँ पे वुडन हाउस डाला तो वुडन हाउस बन गया। ये इतना सेकेंड मतलब मैंने डाला क्लाउडी वेदर तो क्लाउडी वेदर आ गया, फिर ये फार्म लैंड डालूँगा तो फार्म लैंड आ गया, ये स्टोन्स आ रहे हैं, ये इस तरह से बहुत कोई करेक्टर आप दिमाग में आते जा रहा है, आप वो डालते जा रहे हो, वो करेक्टर रेफरेंस ये ऑनलाइन अपना अपने दिमाग से उतना लगा लगा के किड्स बनने वाले बच्चे डाले, बच्चों की तस्वीर आपके सामने है। इतना फास्ट तो मैंने देखा ही नहीं। अब मैंने इंडियन डाले तो इंडियन टच पे आ गया। देखिए तो आपको जिस तरह का आप इसमें मेन है कि आप जो है करेक्टर बनाना चाहते हैं या फिर कोई सीन बनाना चाहते हैं, वो सब आपके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जैसी सोच होगी, आप जिस तरह का ब्रीथ करेंगे उसी तरह का रिजल्ट आपके ऑन स्क्रीन होगा। मैंने इंडियन डाला, इंडियन तो आप देखिए इंडियन गर्ल डाला मैंने। इंडियन गर्ल डालते ही ये ऑन स्क्रीन आपके सामने है। इंडियन गर्ल उसका ड्रेस उसका मतलब सारा उसका हाव भाव सब कुछ जान, तो यहाँ पे आप देखते जाओ आप कैसे कैसे ये चेंज कर रहा है और क्या 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 आपके सामने बनता चला जा रहा है। तो ये है क्रिया AI, और क्रिया AI में मैं बहुत जल्द आपको जो है वीडियो फॉर्म में इसमें कैसे बनाते हैं और इससे इमेज जनरेट करके उस इमेज से वीडियो या एनिमेशन, जैसे मान लो आपने एक लोगो का सोचा, तो लोगो का अगर आप सोच रहे हैं कि एक लोगो कैसे बनाएं हम क्या करें, तो लोगो का कॉन्सेप्ट तो आप स्केल पेंसिल से बनाना शुरू करोगे या कुछ सोचोगे या दिमाग में वो चीज़ आप ही वो सोच जो है आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैनवस के ऊपर आप सोच को दर्शा सकते हो, जो सोच रहे हो वो लिखो यहाँ पे और आपके सामने उसका एक पूरा सीन बन के आपके सामने आ जाएगा। और फिर उस सीन से आप उसको डेवलप करो और आपका मतलब आप अपने क्लाइंट को भी वो भेज सकते हो, तुरंत वो दिखा सकते हो। और मैं इससे अगर कहा जाए तो मैं इससे 101% सेटिस्फाई हूँ क्रिया AI से। और इसके अलावा और भी AI हैं, बहुत सारी AI हैं मार्केट में अभी के टाइम में, लेकिन जितना फास्ट इसका ट्रांजिशन है, जितना फास्ट इसका मतलब समझिए कि आप जो है क्या बोलते हैं उसको, जैसे फ़ोन का नेटवर्क होता है ना 2G 3G 4G, तो ये समझिए 8G 9G 20G जो के लिए शो का मैं इतना फास्ट है इसका क्रिया का, जैसा नाम है इसका क्रिया वर्क, उसी तरह से ये इसका काम भी उसी तरह का उतना ही है, सेट उतना ही फास्ट है। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं वहाँ पे सीन टाइप करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये सीन फटाफट चेंज होता जा रहा है। और आप मेरे साथ अगर
देखेंगे। और इसको मैं, आप चाहते हैं कि इसको मैं और अच्छी तरह से बताऊं और अच्छी तरह से इसको वो करूं, पूरी तरह से इसका मैक्सिमम क्या आ सकता है। तो ये दिन रात ये अपडेट कर रहा है अपने आप को, तो मैं भी अपने आप को दिन रात अपडेट करता हूँ, आप भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। जितने भी टूल मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, जितने भी AI हैं, जितने भी रनवे हो गया, निविया हो गया, इन सबको आप टेस्ट करते जाइए। और मुझे पूरी वो है, पूरी उम्मीद है कि आप जो हैं क्रिया पे ही आखिर, क्रिया सबका बाप है, एक वर्ड में सबका बाप। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो फिर आपके पास और भी पावर आ जाता है, और भी हाई एंड, और भी रियलिस्टिक तस्वीरें, रियलिस्टिक इमेज आप बनाते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर टाइप करता जा रहा हूँ और आपके सामने है कैरेक्टर आपका, कि कितनी फास्ट ही आपको रिजल्ट दे रहा है और आपके इमेजिनेशन पे ये उतरता जा रहा है। मैंने बेडरूम टाइप का बेडरूम बना दिया इसने, उसके भी दो ऑप्शन दे दिए। अगर आप इस तरह से करते जाइए, यहाँ राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप कार्टून के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डालते जा रहा हूँ। वैसे तो भाषण मैंने बहुत सारा दे दिया, इतना भाषण की ज़रूरत थी नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ कर करके दिखा सकता। देखिए, मैं चाहा कि मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी वो दिखा दूँ कि इसका पावर क्या है, कितनी फास्ट है ये। आप देख ही पा रहे हैं कितना फास्ट है ये, इतना फास्ट, इतनी तेज़ी से। मैं बस देखिए, नॉर्मल कार डाला मैंने, कार की स्पीड कैसे पता, तो फिर मैंने लिखा स्पीड कार, तो वो शोकेस में आपको देख पा रहे हैं कि कार की मूवमेंट आगे की तरफ जा रही है, उतनी फास्ट है। और ये तो सेकेंड में, मतलब आप जो है उस चीज़ का अनुभव कर पाए। तो इस तरह से है क्रिया AI, और मैं क्रिया AI के अंदर ही मैं आपको वीडियो बनाना भी बताऊंगा कि कैसे आप सीक्वेंस जोड़ जोड़ के आप एक अच्छा सा फिल्म बना पाओ, और उस फिल्म को आप अपने क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम या फिर रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स या फिर अदर सोशल मीडिया साइट्स जैसे यूट्यूब हो गया, ये नरेंद्र मोदी जी आ गए, देखिए नरेंद्र मोदी, मैंने ना नरेंद्र मोदी का सिंबल बनाया, और उसके बाद फिर ये पूरे अशोका और ये सब मैं डाल के देख रहा हूँ, मैं चेक करता जा रहा हूँ मैं कि इसकी क्या सोच है, कहाँ तक जा रहा है। तो आप देखते जाओ और कितना तेज चेंज हुआ है ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये है केजरीवाल, कौन कहेगा ये केजरीवाल है, बना रहा है, इसने आइडिया लिए हैं, इंसान ब्रीफ में लिखना पड़ेगा उसके लिए, और जितना आप लिख पाओगे। अब ये तो खैर मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ आया, मैंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं अब, लेकिन AI है तो AI कुछ भी कर सकता है। ये तो YouTube के ख़िलाफ़ है, तो मुझे उसको ब्लर करना पड़ेगा। और आगे आप देखिए, आने वाले टाइम में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको क्रिया का आगे का पार्ट बताऊंगा कि कैसे क्रिया जो है आपको बेहतर और वीडियो बनाने में हेल्प करेगा।